आप सबका धन्यवाद तमाम भाई बहनों, डॉक्टर स्वास्थ्य शर्मा नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आप सब जानते हो कि हम इस वक्त थानेश्वर विधानसभा हल्के में खड़े हैं और सुबह से हम आपको यहाँ के लोगों के रुझान, वेरवा, यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके इंटरव्यूज़ और उनके उन्होंने जो कह रहे हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट कार्य कराए हैं और उसके बारे में जनता के क्या विचार हैं वो हमने बताए। और अब हम देखते हैं कि विपक्ष है जो वो उनके जो दावे कर रहे हैं उनको किस दृष्टि से देखता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हरियाणा के अंदर सबसे कम उम्र का उम्मीदवार ये श्री सुमित हिंदुस्तानी जी जो आम पार्टी से हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं। सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले भैया, हिंदुस्तानी आप नाम के पीछे लगाते, इसका कारण क्या? देखिए, इस खट्टर सरकार ने हरियाणा को जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश करी है। उस जात पात के ऊपर हमने इनके विरुद्ध में ये कहा है कि भैया हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हरियाणवी हैं, हम सब भारतवासी हैं, आप जात पात पे हरियाणा को मत बांटो। तो उसके विरुद्ध में हमने ये मुहिम चलाई थी कि मेरी जाति हिंदुस्तानी, हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी भारतीय, हम सभी हरियाणवी हैं। तो आप सबसे यूथ हो, यंग हो, आप राजनीति में क्या आप सोच कर आए हो? देखिए, मेरी उम्र का व्यक्ति, मेरी उम्र का जो युवा होता है, जब वो 27 साल की उम्र में आता है तो वो एक अच्छी सी नौकरी ढूंढता है कि नौकरी मिल जाएगा, मैं अपने घर का भार अपने ऊपर लूँगा, पिताजी को आराम करने के लिए मौका दूंगा। लेकिन इन राजनीतिक पार्टियों ने युवा को सिर्फ नारे लगाने के लिए और झंडा उठाने के लिए रखा है। जब युवा को अपना प्रतिनिधि बनाने की बात आती है तो ये लोग अपना मुँह मोड़ लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का हालात देख लो, भाजपाइयों का हालात देख लो। भाजपा के लोग मंचों पर खड़े होकर बोलते हैं कि युवा हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है, हमारा हरियाणा प्रदेश युवा है। एक युवा बता दो जिसको टिकट दे, सारे बागड़ बिल्लों को टिकट दे रखी है, जिन्हों जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जो कभी किसी पार्टी के एक नहीं होकर रहे, अपने समाज के नहीं होकर रहे, उन लोगों को टिकटें दे रखी है बीजेपी वाला। अब आपने अभी आपकी बात काटूंगा, अभी थोड़ी देर पहले था कि मैंने हिंदुस्तानी नाम इसलिए रखा है कि हमारी कोई जात पात नहीं है। लेकिन नवीन जी अभी भी फरसा लेकर घूम रहे हैं आपके पार्टी प्रेजेंट, उसके बारे में क्या? भाई साहब, फरसा लेना घूम के गलत बात है क्या? मुख्यमंत्री फरसा लेकर गर्दन काटने की बात करते हैं, हमारे वाले तो हमने अपनी जान ना बचाए। तो आप कह रहे हो आप जान बचाने के लिए क्या करें भाई? ऐसे लोग घूम रहे हैं जो दूसरे की मारने की हिम्मत में है, तो उनसे बच के तो रहना पड़ेगा। सेल्फ डिफेंस तो रख सकते हैं हम लोग, तो सेल्फ डिफेंस के लिए हम लेके चल रहे हैं। क्या पता दोपहरी में घूम रहा है, दिमाग खराब हो जाए, क्या पता क्या करते हैं भाई। थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, नहीं बच के रहना चाहिए। अच्छा, जो आपके मौजूदा विधायक कह रहे हैं कि हमने कुरुक्षेत्र का इतना डेवलपमेंट कराया है, बहुत हमने एलिवेटर लगाए हैं और बहुत गीता जयंती का प्रोग्राम कराया है, इंटरनेशनल लेवल पर हमने ब्रह्म सरोवर का किया है, उसको उन विकास कार्यों को एक बींग, मैं ये नहीं कहता पार्टी कैंडिडेट हो, एक बींग कुरुक्षेत्र के निवासी होने के कारण आप क्या देखते हो? देखो जी, एक कुर्सी और लगा लो यहाँ और बुला लो सुभाष सुधा को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुमने 1300 करोड़ रुपया खर्च करे हैं तो नरेंद्र मोदी को किस लिए बुला रहे हो? किस लिए बुला रहे हो? किस लिए बुला रहे हो मुझे एक बात बताओ। अगर आपने हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाई, आप भारी बहुमतों से थानेश्वर के लोगों ने आपको मैंडेट दिया, मैंडेट देने के बाद आपने बदले में क्या दिया मालूम है? कितने लोगों की डेथ होगी इस सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल फिसलने से, रोज एक्सीडेंट होता है। जिस दिन मैं नामांकन भर के आ रहा था, एक स्कूल है, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो ये जाके वहाँ बैठ जाएगा, उस पर प्रेशर बनाएगा। उस स्कूल में वैन आ रही थी, इनका ट्रक चल रहा था वो धूल उड़ाने के लिए, पानी बिछाने के लिए, ट्रक के दबाव से एक पत्थर निकल के उस वैन के शीशे पर लगा है। एक बिटिया के यहाँ पर काफ़ी जगह चोट आ गई है और मैं इसके प्रमाण देता हूँ, मेरे पास फोटो है, उसकी वीडियो है। मैं जब नामांकन भर के आ रहा था, कौन है उसका जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? आपने हॉस्पिटल बनाने की बात करी थी, यहाँ से 100 कदम की दूरी पे हॉस्पिटल है, दिखाओ नए हॉस्पिटल में कितनी ओपीडी आ गई है। आपके पास हॉस्पिटल के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग है, ना उसमें डॉक्टर है, ना मरीज है, ना दवाइयाँ हैं, ना इलाज है, कुछ भी नहीं है। आपने वादा किया कि मैं यहाँ महिला कॉलेज ले आया हूँ, दिखाओ भाई कितने एडमिशन करा दिए तूने महिला कॉलेज के, कुछ तो नहीं। नहीं नहीं, देखो देखो, सरकार 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 तो लेकर आ सकती है ना, लेकिन जो एडमिशन या तो लोकल सरकार ने दो काम करा है, भोजन, चिंतन और निंदन, और कुछ नहीं करा। हरियाणा हरी का आना, हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जन्मस्थली है, गीता के ऊपर इन गीता को दूषित करने का काम इन भाजपाइयों ने और इसकी सरकार ने और इस नलायक एमएलए ने करा है। तो ये तो आपने ये बात आपके बीच भाजपा की बताई, जो कांग्रेस के हैं उनके बारे में क्या? कांग्रेस की मैं क्या बात करूँ, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सुभाष सुधा के खिलाफ पूरा संगठन था, वो चिट्ठी बम आया था, सबने हाथ पांव जोड़े, खट्टर साहब बम क्या है? चिट्ठी बम ये था, मैं आपको बताता हूँ, जिस व्यक्ति के साथ उसका संगठन ही नहीं है, वो व्यक्ति आज टिकट लेके घूम रहा है। मुझे सुभाष सुधा जी, आप एक फोटो दिखा दो जिसमें आपका जिला अध्यक्ष आपके लिए वोट मांग रहा हो। सब लोग दूसरी विधानसभा में जा रहे हैं, अकेला घूम रहा है, एक छत्तर राजा है, एक परिवार का यहाँ के ऊपर जमानत जब्त है, बूथ पे भी नहीं कोई बैठता। और आगे कांग्रेस की बात, कांग्रेस पार्टी के
बड़े लीडरों से मैं ये पूछता हूँ, जिन कार्यकर्ताओं ने 20 साल से मेहनत करी है, लाठियाँ खाई हैं, डंडे खाए हैं, अपने ऊपर केस भुगता है, आज आप उनको भूल गए? उनको भूल के आपने एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिस आदमी ने बुरे टाइम में अपनी पार्टी को छोड़ दिया। अरे जो अपने बुरे टाइम में अपनी पार्टी का नहीं हुआ, थानेसर का क्या हो जाएगा? और अब से पहले तो उसको गालियां देते आते थे कि कांग्रेस लूट के खा गई, घसोट के खा गई, 70 साल का हिसाब ले लो है, ये तो 370 के ये वो। अशोक अरोड़ा जी, अब किस मुंह से आ गए हो आप इसमें कांग्रेस के अंदर? ये तो वही पार्टी है जब आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलते थे CLU के नाम पे आपने जमीनें बेच खाई, आप बोलते थे कि आपने सारी चीज़ें खराब कर दी है, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको पसंद आ गया है? बेवकूफ मत बनाओ, जनता जाग चुकी है, 21 तारीख को ऐसा झाड़ू पे बटन दबा के ऐसा सफाई करेगी जीवन में राजनीति का रह भूल जाएंगे। सरकार में से अक्सर कहते हैं कि हमें यूथ के लिए इतना काम किया, तो यूथ के लिए हम जो अपने नौकरी से, अगर नौकरी नहीं मिलती तो हमने उनको 8 घंटे के लिए वो रोजगार दिया, उसके हम पैसे दे रहे हैं, तो सरकार एक तरफ ऐसे दावे कर रही है, उसके बारे में क्या दावे कर दिए सर आप? मैंने नहीं किया, सरकार ने। SSC बोर्ड में किस तरीके से धांधलेबाजी हुई है सारा देश जानता है, हरियाणा जानता है। SSC बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, मुझे नहीं पता उनका आपस में क्या मेल मिलाप है, कट्टर साहब का 2 बार एलिगेशन लगे, सीट बेचने का एलिगेशन लगा, एक जाति विशेष के बारे में गलत चीज छापने का एलिगेशन लगा, आज तक उसकी जांच हो भी गई नहीं हुई, भगवान जाने क्या करा है क्या नहीं करा है। अंधा बांटे रेबड़ी अपने अपने को दे, ये हिसाब किताब चल रहा है यहाँ के अंदर, भाजपा के अंदर। रही बात युवाओं के रोजगार के अंदर, अभी SDO की पोस्टें निकली थी, ठीक है, अब वापस ले ली हैं, 78 पोस्टों में से 2 पोस्ट, ये जो मनोहर लाल जी बोलते हैं ना हरियाणा एक हरियाणवी एक, हैं, 2 हरियाणवियों को नौकरी दी थी, बाकी सारे गुजरात से बुला रखे थे। हरियाणा के लोगों में वो नहीं है क्या, कैपेबल नहीं है क्या, कैपेसिटी नहीं है क्या? या मैं तो मुख्यमंत्री से पूछता हूँ, आप भी हरियाणा के हो, नहीं हो, इनका राशन कार्ड आधार कार्ड चेक करो भाई, कहीं फर्जी बनवा रखा हो, क्या काम कर दिया आपने? थानेसर विधानसभा में कितनी नौकरियाँ लगी, आंकड़े लेकर आए सुभाष सुधा जी, कितने लोगों को कराए? और नियत का फर्क होता है, अरविंद केजरीवाल जी ने 27 साल के लड़के के हाथ में झाड़ू चुनाव चिन्ह पकड़ा के बोला है कि इनके खिलाफ लड़, युवाओं की आवाज उठा, हक की लड़ाई लड़, आम आदमी की लड़ाई लड़। तो और खट्टर साहब ने ग्रुप डी का फॉर्म भरवा के युवाओं के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी कि सफाई कर, पढ़े लिखे युवाओं के हाथ में एक ने झाड़ू पकड़ाई है सफाई। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जी का झाड़ू खट्टर साहब ने खुद ही पकड़ा दिया, आप ये मानते हो? बिल्कुल मानते हैं, मोदी साहब खुद झाड़ू लेके प्रचार कर रहे हैं सफाई करो, वो भी तो ये कहते हैं ना कि झाड़ू बहुत जरूरी है, तो वही झाड़ू अब राजनीति में लेकर आओ, अपने देश को बचाओ, हर चीज को बचाओ। CM साहब अक्सर कहते हैं, आपने भी सुना होगा, कि हम जो नौकरियां दी हैं बगैर किसी उसके पार्शलिटी की दी हैं, लोग टेस्ट देते हैं सीधे उनके घर पे अपॉइंटमेंट लेने देते हैं। पता नहीं CM साहब कब मैं कह देते होंगे, या तो आपको कहते होंगे, मंच पे आके बोले ना CM साहब, डोर टू डोर करें, खट्टर साहब आके डोर टू डोर करें, सुभाष सुधा जी डोर टू डोर करें, जो ठेकेदारों को टाइलों के नाम पे अपना घर बना रखा है ना, उनके घर पे टेंट लगा के जलसा करने से वोट नहीं आती है, आजाद नगर में आके डोर टू डोर करे, मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ, 20 फुट का टुकड़ा है, 20 फुट के टुकड़े पे इन पे सीमेंट नहीं लगा, यहाँ मेरे साथ साथ चलो आप, वहाँ कल ब्लॉक लगा दिए। अरे यार क्या कर रहे हो यार, तुमने ब्लॉक की बात करी थी क्या, तुमने पिंक सिटी की बात करी थी, अब ये कहते हैं जी एलिवेटेड ट्रैक बना दिया, सोल टेस्टिंग की रिपोर्ट तो आई नहीं, एलिवेटेड ट्रैक बन गया है, फोटो लग गए तब और अब, क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार भोले वाले जनता का, किस लिए, क्यों भाई, किस कोई लिख के चला गया क्या जीवन भर राजनीति में रहना है? 2 घंटे बारिश होती है तो शहर डूब जाता है, फिर नेताजी अपना पजामा ऊपर करके चल जाते हैं, वो हाथ में मिठाई डब्बे लेके, वो बिस्कुट लेके, जी मैं आपके पास आ गया, क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि सुमित हिंदुस्तानी किस जोश के साथ इस राजनीति में आए हैं, एक मिशन के तहत पर आए हैं, और यहाँ पर जो सपने अरविंद केजरीवाल के हैं, जो उन्होंने दिल्ली के अंदर अपने स्कूल्स बनाए हैं, आपने देखा होगा, हम भी यहाँ पर जाके गए थे मनीष डिशोदिया जी के साथ, उनके स्कूल देखे, वो चाहते हैं कि वो भी हरियाणा में इस तरह के काम करें। आपका मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।